अजय देवगन की न्यू फिल्म दृश्यम इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड देख कर आ रहा हूं, जिसका नाम है शैतान, जो कि एक गुजराती ब्लॉकबस्टर फिल्म वश का रीमेक है। अब ये एक सुपरनेचुरल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, एंड लास्ट मैंने जो हॉरर फिल्म देखी थी वो थी आदि पुरुष। सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूंगा ओजी फिल्म वश के डायरेक्टर, जिनका नाम है कृष्णदेव याज्ञिक, जिनकी वजह से अजय देवगन को वापस से अपनी बेटी को बचाने का मौका मिला। याद रखना, जब जब अजय देवगन अपनी बेटी को बचाए फिल्मों में, उन्होंने बॉक्स ऑफिस भी बचाया। वैसे मैंने ओजी फिल्म वश को रिसेंटली देखा, जो कि आउटस्टैंडिंग फिल्म थी विद ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर कास्ट। आपके नींद उड़ा इतना जलवेदार काम है। और देखो, वश ए सर्टिफिकेट वाली फिल्म थी, तो वही शैतान यूए सर्टिफिकेट वाली फिल्म है, ताकि धंधा ज्यादा बढ़ा रहे। एनीवेज, अब शैतान देखते वक्त आपको फ्रेम टू फ्रेम वाइब तो आ जाती है विद एडिशनल स्क्रीन प्ले, जो कि इलॉजिकल नहीं जाता, लेकिन वो एडिशनल स्क्रीन प्ले इतना काफी वेल बैलेंस्ड नजर आता है। वैसे ही जैसे राधिका मर्चेंट अपने प्री वेडिंग के टाइम पे जो स्पीच देती है मूवी से कॉपी करके, वो कैसा बैलेंस रहता है, सेम ऐसे ही बैलेंस रहता है यहां पे। अब अगर मैं शैतान मूवी को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि अजय देवगन को टैक्स बहुत भरने को आएगा इस साल, बिकॉज द फिल्म इज वेरी गुड, वेरी वेल मेड एंड सुपर एंगेजिंग, एज ऑफ द सीट का माहौल बनाता है। अब जिन्होंने ओरिजिनल नहीं देखी है उनके तो ये फिल्म देख के होश उड़ जाएंगे, एंड जिन्होंने ओरिजिनल देखी है तो वो वापस से जाके ओरिजिनल देखेंगे, बिकॉज ओरिजिनल वॉज मोर 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 एंड मोर कन्विंसिंग इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। फिर भी कुछ भी कहो, शैतान देखने भरपूर मजा आता है। वो एज ऑफ द सीट का माहौल बनना, वो गांड फटी रहना, वो बीच बीच में बाथरूम जाना, क्योंकि फिल्म के अंदर भी बीच बीच में इतना ज्यादा स्लो मोशन है कि आप लोग को लूज मोशन हो सकता है। वही इस फिल्म के डायरेक्टर विकास बेल ने बैलगिरी ना करते हुए गणपत का पूरा पाप धोया है इस फिल्म को बना के, तो उनके लिए जोरदार तालियां डीजे बजनी चाहिए, वो भी म्यूट पे, क्योंकि रीमेक है ना। बड़े एक अच्छा लगा कि बिना मजाक किए फिल्म का अच्छा खासा रीमेक किया, जिससे फिल्म की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी एंड फिल्म भी चलेगी, नो डाउट। अब फिल्म की स्टोरी में जिस हिसाब से आर माधवन लड़की को वश में करते हैं, मैं ये सोच रहा था कि अगर ये पावर मुझे मिले ना तो मैं भी वश में करूं कि हे सीरी, अंबानी के बेटे की शादी में कैमरा के सारे फुटेजेस डिलीट कर दो। हे सीरी, अक्षय कुमार को 4 बजे ना उठा के 10 बजे उठाओ, लेकिन उनसे ढंग की फिल्म कराओ। हे सीरी, इंस्टाग्राम रील में आधी नंगी रील का रीच कम कर दो। कुछ भी कहो यार, परफॉर्मेंस की बात करो तो आर माधवन साला इतना खड़ूस लग जाएगा कि आपकी ब्रीथ अटक जाएगी, लेकिन फिर भी आप कहोगे कि भाई रहना तो बस मेरे दिल में, क्योंकि क्या ही परफॉर्मेंस दिया है। फिल्म के अंदर आप हेट करोगे, फिल्म के बाहर आप जान दे दोगे उसके लिए। वहीं अजय देवगन का काम ऐसा है कि मानो उनको फिल्म के अंदर बोल दिया कि आपको अपनी बेटी को बचाना है, मगर चौथी फेल रह के नहीं, पढ़े लिखे रह के। वो थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन क्लाइमेक्स में उनका वो दृश्यम स्टाइल एंड वो जो स्मोकिंग स्टाइल का जो अंदाज है, जो क्लाइमेक्स के एंड में आता है, पैसा वसूल वही हो जाता है। रोलेक्स की वाइफ ज्योतिका का काम भी अच्छा है, वहीं जान की बॉडी वाला का काम जो ओजी में भी था और यहां पर भी आपका दिल लिवर किडनी सब जीत लेगी कि क्या ही काम किया उसने। ओवरऑल शैतान मूवी मुंह में गोटी अटकाने वाला कंप्लीटली एक्सपीरियंस कराता है विद गुड साउंड डिजाइन, परफॉर्मेंस, डायलॉग्स एंड दैट्स कैरी क्लाइमेक्स। ये पहला ब्लैक मैजिक रहेगा जो प्रोड्यूसरों को व्हाइट मनी भरपूर करके दे देगा। मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5 out of 5 star, बॉक्स ऑफिस पे हंसता खेलता चलेगी, क्योंकि ओजी से कोई वाकिफ ही नहीं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे काला जादू कर दो, ऐसा जादू कर दो कि 1 million पार हो जाए यार, प्लीज कर दो। मिलते अगले वीडियो में, बाय।